चैप्टर अपना स्टार्ट होने जा रहा है कौन सा सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था जब फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया था कि 12th में आपके पास कितने चैप्टर होते हैं, 5 चैप्टर होते हैं। एक बार ध्यान से देख लो, पहला चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, जो कि हमने आपको पढ़ा दिया। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो जस्ट अभी खत्म हुआ है। अब 3 चैप्टर बचते हैं, कौन कौन से, सॉल्यूशंस, सरफेस केमिस्ट्री, लास्ट चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट। एक बात और पता होगी आपको, मैंने बताया था क्लास में, आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 4 क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से, बिकॉज आप जानते हो इस बार मतलब जो पैटर्न चल रहा है नीट का, उसमें 50 क्वेश्चन आने लगे हैं, 45 करने होते हैं, 5 छोड़ने होते हैं, 17 क्वेश्चन मतलब आपके पार्ट से आते हैं, तो 2 से लेकर 4 क्वेश्चन तक आते हैं। सब 2 क्वेश्चन पूछे थे, मिनिमम 2 क्वेश्चन आए हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर भी, मिनिमम 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, बिकॉज ये जो चैप्टर है आपका वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन से लिंक होता है 11th के। अब नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशन। चले चलो आज पर आते हैं अपन, सरफेस पर 1 क्वेश्चन या हद से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, छोटा चैप्टर है, अकेला चैप्टर ऐसा है पूरे फिजिकल में जहाँ पर 90% पार्ट थ्योरेटिकल है, 10% पार्ट न्यूमेरिकल है, वो भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। लास्ट यहाँ से 1 क्वेश्चन ही मिलता है, इस बार 2 आ गए थे, तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, दोनों चैप्टर्स आपके इन चैप्टर के बराबर है, मतलब एक चैप्टर करोगे जितना टाइम होता है टाइम दोनों चैप्टर हो जाए। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्या है सॉल्यूशन की, इससे भी मिनिमम 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, मतलब कभी बार क्या होगा कि भाई इस वजह अगर 2 आ गए या 1 आ गया तो इसमें 3 पूछ लेगा, इस तरीके से होता है, पूरा एक सिस्टमैटिक एवरेज होता है। तो सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोर कॉन्सेप्ट 11th का सबसे पहला चैप्टर होता है, उससे काफ़ी चीज़ें लिंक करती हैं स्टार्टिंग में, वो चीज़ें अगर आपको आती हैं आगे आप आराम से उसको रन कर पाओ चैप्टर में, ठीक है। पहली बात तो ये समझ में आई आपको, दूसरी बात क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर कौन सा, सॉल्यूशन। मैंने आपको जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था तो आप मैंने ओवरव्यू दिया था, ये केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे ये वाला सर पढ़ेंगे, फिर ये वाला सर पढ़ेंगे, उसमें मैं था इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहली बात, आज की जो क्लास है वो आपकी बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, क्वेश्चन भले ही नहीं पूछा जाएगा यहाँ से, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेस बनेगा आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन से, ठीक है। दूसरी बात आपकी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन देखो इस साल मेरे ख्याल से नहीं आया, बट इस साल पक्का क्वेश्चन आएगा कंसेंट्रेशन टर्म्स से, किसी को आइडिया है इसका क्या होता है, क्या होता है मतलब, मैंने मतलब कहने का क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, होल फ्रैक्शन, स्मॉल एक्स, होल फ्रैक्शन, कैपिटल एक्स, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, सुना है कभी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो बेस्ट होता है, परसेंटेज, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, पीपीएम, पूरी फॉर्म क्या है इसकी, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, और कुछ होता है स्ट्रेंथ, एक और होता है स्ट्रेंथ, स्मॉल एस स्ट्रेंथ, और कोई नहीं होता इसके अलावा, सारी चीजें पढ़नी है, सारे पर बेस्ट क्वेश्चन करने हैं, और मेरे ख्याल से कोई नहीं होता इसके अलावा, ठीक है, उन्हें भी तो हम पढ़ लेंगे, पहले इनकी डेफिनेशन है, फॉर्मूला, डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, जो फॉर्मूला है वो डेफिनेशन, और इस पर बेस्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी और आती है, 10 11 मान लो, इन पर बेस्ड सब पर क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आ गया, देन हम बढ़ेंगे इसकी तरफ, छोटा सा पॉइंट होगा, छोटा सा 15-20 मिनट का या मैक्सिमम आधे घंटे का, सॉल्युबिलिटी, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, इसमें पढ़ते हैं एक साइंटिस्ट आए थे हेनरी, उनका पढ़ेंगे हेनरी लॉ, सिंपल एक लाइन का लॉ होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज, इस तरीके से दो चीज़ें होती हैं। देन इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का कोर पार्ट होता है वेपर प्रेशर, हम जानते हैं जब हम पानी को गर्म करते हैं पानी होता है लिक्विड, लिक्विड बनता है सॉलिड और गैस, लिक्विड से गैस बन रहा होता है, उस इक्विलिब्रियम पर जो गैस होता है, जैसे आप जानते हो जो हमारा एक मान लो एक मगोना है, उसमें हमने पानी रख दिया, हमने ढक दिया
अगर बढ़िया हमने गैस चालू कर दिया बहुत टाइम बाद अपने आप आपका जो बर्तन ऊपर ढका हुआ अपने आप गिर जाएगा ग्रे, क्यों मेरा तो जो गैस बनाया उसमें प्रेशर लगाया, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर, वो समझाएंगे आपको। देन इसके बाद आपकी मेन सबसे ज़्यादा इस बात को लिख के दे सकता हूँ मैं आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आया क्या है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 90% चांसेस होते हैं इसके आने, अगर एग्जामिनर नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 90% चांसेस इसके आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आने के। इसी के साथ एक आता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सुना है किसी ने आई बॉन्ड ऑफ फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इतना सिंपल क्वेश्चन कभी 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 पूछ लेता है कि किसका आई इसके बराबर है, ये पूछ लेता है आपसे। देन आखिर में दो चीजें और आती हैं छोटी छोटी, पहला एक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आप चाहो तो शायद इसके साथ ही पढ़ लो इसको अगर अलग पढ़ लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन लास्ट में बहुत छोटा सा पार्ट आधे घंटे का, दोनों दोनों चीजें देखो एक दो तीन सॉल्यूशन, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट है एक क्लास में जाते हैं, एक एक क्लास में एजियोट्रॉपिक लेक्चर, एजियोट्रॉपिक लेक्चर आज का पार्ट खत्म हो जाएगा, वैसे अभी अभी इंट्रोडक्शन करा देंगे, शायद अगले दो या ढाई लेक्चर्स लगेंगे इसमें बिकॉज क्लास एक घंटे की रहती है तो फिर टाइम लगता है, कंसेंट्रेशन टर्म्स के अच्छे तरीके से करेंगे इसमें, बोल कॉन्सेप्ट में आपका ये आ जाता है, देखो बोल कॉन्सेप्ट में आपका ये आ जाएगा ये आ जाएगा ये आ जाएगा ये आ जाएगा, बट जो नई चीज़ें आती हैं दोबारी आती है बहुत जरूरी है, इसका बेस्ट किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, देन सॉलिडिटी और आइडियल और एजियोट्रॉपिक जो तीनों एक ही क्लास के हैं ठीक है। देन सबसे ज्यादा पार्ट टाइम लगता है वेपर में और कॉलिगेटिव में, क्योंकि इसमें चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं एक दो तीन चार, एक होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का लोअरिंग होता है, दूसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, सबने सुना होगा बायो पढ़ा भी होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा होता है डेल्टा टीटी, क्या बोलते हैं इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लास्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चार चीजें होती हैं, इन चारों को क्वेश्चन करने होते हैं ठीक है ना। पूरा मैंने आपको ओवरव्यू कर दिया, डाउट इशू कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात बोली है, सारी चीजें पढ़नी है अपन को ठीक है। अब अपन करने जा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट ठीक है, कैसे अपन सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सब कुछ आपके डेली लाइफ की चीजें हैं, आप सब कुछ टेनेटी देखते हो, कैसे इसको हमें इंटरप्रेट करना है वो देखना बोल सकते बट वो कौन सा सॉल्यूशन होगा
वो हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, पढ़ा हुआ आपको अगर किसी कोलोइड में, कोलोइड नहीं होता सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन होता है मतलब कोलोइड सस्पेंशन से ही दो चीजें होंगी। अच्छा एक आपको बुला ये और मैं रिलेट कराऊँ, छोटे बच्चों की वो आती है सीरप, सीरप आती है, डॉक्टर बोलते हैं पहले उसको आपको सेक करना होगा, कारण क्या है उसका, बिकॉज उसमें जो दवाई होती है ना वो बहुत टाइम बाद नीचे चली जाती है, अगर उसको सेक नहीं करेंगे तो उनसे पानी पानी पीने को गाली नहीं लगेगा, बिकॉज जो दवाई होती है वो दवाई वही होती है जो नीचे चली जाती है, समझ लो पानी में रेत चला गया, रेत और दवाई है, हम पानी पी लेंगे तो फायदा कैसे मिलेगा भाई, समझ में आता है। तो वो यही बात है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ आपसे, सस्पेंशन मतलब क्या होता है, वो जो सिरप होता है उसको पहले आपको सेक करना पड़ता है तब हम पीते हैं, बिकॉज जो नीचे पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें मिक्स होते हैं, ठीक है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर, सिंपल सा एग्जांपल है, आपने क्या करा, आपने शरबत बनाया, कैसे बनाओगे आप, सिर्फ चीनी वाली बात कर रहे हैं, पहले हमने पानी लिया, चीनी मिला लिया, अब मैं अपनी बात बता दूँगा, सिंपल सी बात है, बहुत जरूरी बात है, पानी ज्यादा लेते हो चीनी ज्यादा लेते हो, दूसरी बात जो सॉल्यूट था चीनी था उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, आई बात समझ में, दो चीजें मिला रहे हैं, दो चीज मिला रहे हैं क्या बोलेंगे उसको, सॉल्यूट, जिस चीज में मिला रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, पानी, हमेशा याद रखना है आपको सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूशन कम से कम सॉल्यूशन, बाकी हमें पता नहीं बाहर क्या होता है, मतलब इस चैप्टर में मतलब सब बताना चाहता हूँ। हाँ दूसरी बात मैं आपसे ये बोलता हूँ कि हमेशा हमेशा सॉलिड सॉलिड ही होगा, चीनी सॉलिड होती है, चीनी सॉलिड होती है, मैं आपसे पूछूंगा हमेशा सॉल्यूट सॉलिड ही होगा क्या, और क्या हो सकता है, जब गैस होगा तो क्या बात, किस किसकी बात कर रहे हैं इसमें, तो इन पूरी चीजों से किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट गैस, सॉल्यूट, हैनी ने गैस का लो दिया, सॉलिड, हाँ हैनी ने लो दिया तो उन्होंने गैस के लिए दिया कि इतनी गैस जो है हमारी इसलिए सॉल्यूशन मिक्स हो रही है तो उसने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। उसकी बात मेटल का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो मेटल का सॉल्यूशन बनता है लेकिन बहुत रेयर बनता है, वो अपन बात करते हैं वहाँ मेनली कोलोइड में, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना वो चैप्टर फोर्थ वाला, वहाँ पूरे मेटल चलेंगे आप रेडनी पढ़ेंगे। अब एक बात मैंने, अच्छा सॉलिड हो गया, चीनी हो गया, गैस हो गया, लिक्विड हो सकता है, चाय में बहुत लोग पानी के बराबर दूध डालते हैं, बराबर ना सिंपल से इसमें आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, नींबू पानी बहुत सारे केसेस आते हैं पॉइजन वाले, किसी ने बोलते हैं किसी ने डिब्बी पी ली उसकी, एल्कोहल ही होता है, ठीक है। आई बात समझ में, मैंने आपसे क्या बोला, सिंपल सी बात बोली कि सॉलिड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इट विल फॉर्म सॉल्यूशन, हमेशा एक बात याद रखना, सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी और सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी हमेशा सेम होगा, कैसे, सॉल्वेंट हमेशा वाटर वाटर ही होगा मतलब लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट भी और सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। अब ये चाय कुछ भी हो सकता है, ये चाय कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब या सॉलिड या लिक्विड या गैस, कुछ भी हो बनेगा अल्टीमेटली लिक्विड, बनेगा अल्टीमेटली किसमें, लिक्विड में। आई बस यस सर, मेरे को बताओ कि मैंने कितने मतलब कितनी चीजें ली हैं, दो तीन चार, कितनी चीजें ली, दो ही हैं। इस चैप्टर में हम दो चीजें लेते हैं, इसको बोलते हैं क्या, बाइनरी सॉल्यूशन,
पूरे चैप्टर में बाइनरी सोच नहीं पड़ता। बाई का मतलब तीन अगर मैंने सीख ली तो क्या बोलेंगे उसको? टर्नरी। चार ली तो क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी सूची अपन को दो से ज्यादा नहीं पढ़वाते हैं। बस नाम बता दिया कि कहीं अगर सुन लो तो जिम्मे तो सर ने पढ़ाएंगे अच्छा सुगर होता क्या? वाटर क्या होता है? रिएक्शन हुई क्या? रिएक्शन नहीं हुई भैया, गुलाब हुई हुई है, सॉल्युबिलिटी हुई है, सॉल्यूशन बनाया। रिएक्शन नहीं, रिएक्शन होती तो क्या होता? ये इसके साथ मिक्स होता, कुछ बनता और पानी चीजें बनती। भाई हमने सिर्फ सुगर सीरप बनाया, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सुगर उसमें डिजॉल्व हुई, कुछ नहीं हुआ, ऐसे रिएक्शन नहीं हुई। रिएक्शन अलग होता है और सॉल्युबिलिटी अलग होता है, डिजॉल्वमेंट अलग होता है। डिजॉल्वमेंट से क्या होता है? सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ याद रखना, रिएक्शन नहीं होगा, अगर रिएक्शन हो गया होता है तो सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी। भाई होता है, कभी बार क्या होता है? NaCl है, क्या बनाते हैं? रिएक्शन हुई यहाँ पर, सॉल्यूशन बोलोगे इसको? यस सर। नहीं बोलेंगे? बट यहाँ रिएक्शन नहीं हुई, इसे रिएक्शन बोलो गया, इसको रिएक्शन नहीं बोलो, इसे डिसॉल्वमेंट बोलो। ठीक है, आई बात समझ में? तो मेरा मतलब कहने का मतलब आप पूरी बात समझ में आ गई होगी। व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, टू और मोर मतलब या टू या मोर केमिकली नॉन, केमिकल और केमिकल में मिक्स पड़ रहा है, केमिकली नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, देन द होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस कैसे बोल रहे हैं आप? ऐसा मान लो कि लिक्विड लिक्विड बन रहा है तो होमोजेनस हो, तो ज़्यादा फोकस मत करो, आपको सिर्फ बात को बतानी है, आपको इतनी बतानी है रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, अब सॉलिड हो सकता है कुछ भी, सॉलिड लिक्विड है गैस। हम मेन बात करते हैं यहाँ पर सॉलिड के बारे में, सॉलिड के बारे में मेन बात। आगे जब बल्ब पर से पढ़ते हैं तब और अलग बात करते हैं, गैस में गैस मिला देते हैं, सॉरी लिक्विड में लिक्विड मिला देते हैं, कभी बार इसमें गैस में लिक्विड मिला देते हैं, बहुत सारी बात है। अब मेरे पास बताओ एक बात और, बस सारी चीज़ दिखा दूँगा आपको, वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड हमारे सॉल्यूशन होते हैं दो प्रकार के। आपको मैं नाम बता दे रहा हूँ, फिर आप बताना कि क्या कंडीशन है इसमें। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसेंट्रेटेड। मैंने आपको नाम बता दिया किसके आधार पर, सॉल्यूट के आधार पर। मेरे को ये बता दो डाइल्यूट में या कंसेंट्रेटेड किसमें सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली ज्यादा रहेगा? किसी को इस बात में डाउट है? कंसेंट्रेटेड का हिंदी मतलब क्या है? अपन आम भाषा में क्या बोलते हैं? गाढ़ी चीज। मतलब उसमें जैसे मैंने बोला आपसे, मैंने चाशनी में सुगर सिरप बनाया,
वो लगभग लिक्विड तरीके का था, मैंने उसको और गर्म कर लिया और गाढ़ा तरीके का हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, मतलब उसमें क्या मैं चीनी ज्यादा मिला, लिक्विड अपने आप मिला जब मैं चीनी ज्यादा मिला तो सॉलिड। लेकिन फिर भी एक बार और समझो, अल्टीमेटली फिर भी लिक्विड ज्यादा, बट मैंने सिर्फ रिलेटिव अमाउंट बढ़ाया। आई बात समझ में, मैंने पहले बोला मेरे पास 4 ग्राम मतलब चीनी थी, कुछ भी ग्राम बांटा था हमारे पास, मैंने क्या करा 4 की जगह 6 कर दिया, ये मैंने करा। मैंने ये नहीं करा कि मैंने बांटा से ज्यादा चीनी ले लिया, ये नहीं करा। मैंने आपको बोला रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर हियर, रिलेटिव मैं कह रहा हूं। और डाइल्यूट मतलब पानी, पानी मतलब पानी ज्यादा सॉलिड। तो ये वाली बात आपको आनी चाहिए, मतलब इसको सॉलिड जो बातें बोली मुझे लो लेकिन आप सही हो, ठीक है, इवोल्यूशन एडिटिंग लगा लो आप पहली बार देखो मास में डॉलर इन स्लिपिंग डॉलर्स देखो वेंट टू और वेंट टू और मोर वेंट टू और मोर केमिकली केमिकली नॉन रिएक्टिंग वेंट टू और मोर केमिकली non-reacting, then two or more chemical